छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लगातार गांजे और सट्टे के कारोबारी सक्रिय होते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस का ध्यान तो जाता है, मगर ऐसे आरोपी गिरफ्तार होकर छूटने के बाद फिर से उसी आपराधिक धंधे पर उतर जाते हैं। सट्टेबाज लोग पुलिस के नाक के नीचे अपना कारोबार चला रहे हैं। इसी कड़ी को देखते हुए नारायणपुर में जारी लॉकडाउन में ना अपराध खत्म हो रहे हैं और ना ही आपराधिक गतिविधियां, मगर पुलिस भी इस पर रोक लगाने का निरंतर प्रयास कर रही है और कई ऐसे आरोपियों को पकड़कर थाने में बिठा कर रखती है, मगर सट्टा खिलाने वाले आरोपी जमानती अपराध करते हैं तो उनकी जमानत भी जल्द हो जाती है। नारायणपुर कई इलाकों में असामाजिक तत्व होते हैं जो इन सभी आपराधिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन अगर कार्यवाही करती है तो कुछ सफेदपोश लोग जो ऐसे आरोपियों को जमानत दिला देते हैं, जिससे पुलिस के हाथ भी बंधे हुए होते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर नारायणपुर कहा जाने वाला नारायणपुर शहर आज भी अपराध व असामाजिक तत्वों से घिरा हुआ है। इस पर पुलिस भी आज कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं करती है। नारायणपुर के बस स्टॉप के पीछे गली में भारी मात्रा में सट्टा खिलाया जाता है। जब इस बात की खबर समाचार एक्सप्रेस को हुई तो इन आरोपियों को पकड़वाने के लिए टीम शहर के बीच में कुछ थाना क्षेत्रों में स्टोरियों के अड्डों में गई और सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद कर दी गई। इस दौरान सामने आया कि सटोरिये बकायदा पर्ची में अंक काट कर दे रहे हैं, जिसके लिए लोग लाइन तक लगाकर अपने अपने पसंदीदा नंबर लगा रहे हैं। वहीं अंक आने पर उसी पर्ची को दिखाने से 90 गुना तक रकम वापस मिल जाती है। इसके बावजूद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। नारायणपुर से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।